गांव तरेठी में अश्वनी घड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हलका सुजानपुर के शिरोमणि अकाली दल और बसपा के सांझे उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके साथ हमेशा हैं। लोगों ने उन्हें सिरोपा डालकर और हार पहनाकर अभिवादन भी किया। बहुत ही आदरणीय हैप्पी जी कलासान और जिन्हें भी मेरे बहुत ही सत्कारयोग तरेठी वासे पिंड के निवासी जिन्होंने अज चेचे तौर पर 2022 की चोणों के संबंध में मैं बुलाया और अपना भरपूर समर्थन है जोड़ा मैं दिता। बड़ा इन्होंने दो दिन अपन समस्या दसिया, सिवरेज के पानी की डैम की लाइट इस महल दौरान किटा की करानी, मेरे इलाके दिनों पानी वास्ते तरस रहे। यह जरूरी नहीं कि यह इलाका, अगर मैं धार जन्ना दनेरे साइड उत्ते अज भी लोग गंदा पानी पीने वास्ते मिलता, अठ अठ दिन पानी नहीं आता, चार चार दिन लाइट नहीं आती। मैं मैंबर साहब तुहाडे द्वारा मेरे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय इन्होंने द्वारा मैं तुहानू आश्वासन दिना सारे पिंड वासियों नू, 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी सरकार बन जा रही है और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र तो श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी भी जीतन जा रही है। इतिहास राज देंगे कि यह भी पिंड का हर जगह समस्या है पर समस्या दूर कर देनी है, 5 सालों में एक भी समस्या प्रधान जी रहने दे। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।